सीधे चलते हैं इस वक्त सीतापुर प्रधानमंत्री मोदी की रैली में। मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान जानते हैं भाइयों और बहनों, 2017 से पहले खनन माफिया और भू माफिया का ही राज चलता था। माफियावादियों को तब बार बार बाढ़ से जूझते सीतापुर के गांवों की चिंता क्या कभी हो सकती है क्या, जो लूटने में लगे हैं। योगी जी की सरकार ने इस चुनौती के समाधान के लिए ईमानदार प्रयास किए। नैमिषारण्य को लेकर भी गौर परिवारवादियों का रवैया क्या 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 था वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। हमारी सरकार ने नैमिषारण्य के विकास के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। साथियों, जिन्होंने यूरिया तक लिए, किसानों पर लाठियां चलाई, वो गांव किसान का हित नहीं सोच सकते। सीतापुर के किसान कभी नहीं भूल सकते कि कैसे गन्ना बेचने आए किसानों पर मिल के फाटक के सामने लाठियां बरसाई गई थी। ये सीतापुर की बात आपको याद होगी भाइयों। इनका ट्रैक रिकॉर्ड गन्ना फैक्ट्रियों को बंद करने का भी रहा है। योगी सरकार नई गन्ना फैक्ट्रियां भी लगा रही है और पुरानी फैक्ट्रियों की क्षमता भी बढ़ा रही है। आज गन्ना किसान को पर्ची घर बैठे अपने मोबाइल पर ही मिल रही है। हम इथेनॉल के उत्पादन पर भी जोर दे रहे हैं ताकि गन्ना किसानों को आय का एक और विकल्प मिले। पशुपालन से गांव के किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए भी हम ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। हम बेसहारा पशुओं के लिए पशुशालाएं बनवा रहे हैं ताकि किसानों की दिक्कत कम हो। कोशिश ये भी है कि पशुओं के गोबर से भी अतिरिक्त आय किसान को मिलना शुरू हो जाए। साथियों, यूपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जो दंगाइयों को, गुंडों को, माफियाओं को बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश के जागरूक लोग इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग जी जान से कह रहे हैं आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये दंगावादी आप लोगों को बांटने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।